सुन बे, तू बहुत मोटा हो गया, तो थोड़ा कम खाया कर, ठीक है? गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ जू, तो चले चलते हैं। तो मैं आया हूँ असम स्टेट म्यूजियम। तो टिकट तो मैंने बस पे ही कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ऊपर से मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो अंदर आते ही मुझे मिला एक मैप। तो मैंने मैप को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि मुझे मैप देखना नहीं आता। तो इधर मैंने एक लंगूर देखा जो गोल्डन लंगूर है। ये बानरों की प्रजाति का है और देखिएगा इस मुझे देख के ये कैसे कूट कूट के आगे आ रहा है। इसे देख के मुझे मेरा दोस्त कलुआ का याद आ गया, वो भी मुझे देख के ऐसे ही कूट कूट के आगे आता था। इसका तो पूरा बॉडी का कलर ऐसे गोल्डन है, लेकिन इसका फेस मेरे दोस्त कलुआ की तरह काला ही है। ये जो है ये ज़्यादातर असम की वेस्टर्न साइड या फिर खुतान के हिल में मिलता है। ये ज़्यादातर पत्तियाँ वगैरह खाता है। तो गाइस आइए आगे देखते हैं। तो गाइस आगे आते ही मुझे मिला दो जिराफ। आपको तो पता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा जीव है, और इन दोनों को देख के लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ लड़ाई हो गया। तो मैंने इससे बात किया कि भाई आपस में सेटिंग कर लो, पर ये मेरा बात नहीं मान रहा था। तो मैंने ये छोड़ के आगे बढ़ी। फिर मैंने देखा ये हिरन का जो तो काफ़ी गंदा था। मुझे लगता है ये काफ़ी सालों से नहीं नहाया है, क्योंकि इसमें से बहुत घटिया स्मेल आ रहा है। तो मुझे लगता है इन लोग को नहला दो, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास अभी। तो आगे आते ही मुझे एक मिला जंगली बिल्ली, जो उसके मुंह में उसका खाना था। तो मुझे देख के थोड़ा डर गया, तो कहीं छुपने का जगह ढूंढ रहा था। तो मैंने बोला भाई मुझे देख के डरो मत, मैं आज तुम लोग को देखने आया हूँ। तो ऐसे तो ये लोग अपना खाना जो है वो ऊपर ले जाके ही खाते। तो देखिएगा इस, और वो आराम से बैठ के खाने लगा। और तभी मुझे याद आया कि मुझे और आगे जाना है, मुझे और नया नया जानवर को खोजना है, या पे क्या सा कैसा कौन सा जानवर है सबको देखना है। तो तभी मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मुझे मिलता है एक हिरन का जो जॉब ना मिलने के कारण जल समाधि ले रहा था। तो मैंने इन लोग को रोकने की कोशिश की। मैंने बोला डोली चाय वाला जैसा आदमी चाय बना के इतना फेमस हो गया, तो तुम लोग भी कुछ ना कुछ कर लोगे, वापस आ जाओ। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, तो मैं भी चला आया। तो मुझे आते ही देखा है दो बगुले। ये कैसे दिखाते, ये देखिए। लेकिन ये दोनों साइज में बहुत बड़ा है, तो शायद इसका नाम कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो इन्हें बगुला ही बोलूँगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे कुछ चूहे इन लोग का खाना छुरा रहा है, और एक बगुला को गुस्सा आया और ये पकड़ा गया, लेकिन बच गया, बाल वाल बच गया चूहा, नहीं तो आज ये भी इसका पेट में होता। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हर किसी के पास कोई ना कोई पार्टनर है। तो गाइस इन लोग के पास भी GF है, ये लोग भी रिलेशनशिप में है, एक हम ही है जो सिंगल है। ये देख के मुझे गुस्सा आया और मैं निकल गया। तो मैं आया अभी चीता को देखने, कहा अभी चीता बाहर निकल, तेरा बाप आया आज। तो देखो गाइस ये दर दर के आया ये चीता बाहर, जो काफ़ी मोटा था, और मुझे देख के ये इसने दर के सुसु कर दी। सुन रहे तू बहुत मोटा हो गया, तो थोड़ा कम खाया कर, और सुन लोगों को डराया कम कर, तेरे वजह से बहुत लोग आना छोड़ दिया इधर, ठीक है, समझ गया? तो देखो गाइस कितना दर्द है ये लोग मुझसे, खौफ ही ऐसा है मेरा। तो इसे छोड़ के मैं और आगे जाता हूँ, और मुझे दिखता है भालू, ये हिमालयन भालू है जो बहुत काले हैं। देखिए ये भी बाहर आ रहा है। तो गाइस ये भी जॉब में जा रहा है, लेकिन इसका दोस्त से जो अभी भी सो रहा है। यहाँ पे दूसरा जानवर काम ना मिलने के कारण जल समाधि ले रहा है, और इसके अपना काम पे कदर नहीं। ओए बाहर आ जा, सुनाई दे रहा है? हाँ तुझसे बात करो, बाहर आ जा। हाँ आ जा, क्या बे काम करना है कि नहीं? शोर की तरह पड़ा हुआ है, फालू है तू, आ जा बाहर, दो हाथ करेगा मुझसे। तो गाइस ये भी लगता है मेरे से डर गया। ओए कहाँ छुप रहा है, आ जा बाहर। ये भी डर के छुप गया, तो चलिए इसको छोड़ के आगे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिद्धों का चूना है, जो मुझे देख के मेरे करीब आ रहा है उड़ के। देखिए गाइस मैं कितना फेमस हूँ जंगलों में, ये लोग मुझे बातें करने के लिए मेरे पास आए। तो क्या है तुम लोग का प्रॉब्लम, तुम लोग को भी जॉब नहीं मिल रहा है? एक और आ गया। हाँ भाई सुन, मैं तुम लोग के पास एंगल घुमाया। तो गाइस इन लोग से बात करके मुझे अच्छा लगा। हम लोगों ने कुछ सिगरेट बांटे किए, जो आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी। तो चले और आगे जाते हैं, और यहाँ पे मुझे मिलेगा अभी जंगल का राजा। तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था राजा से मिलने के लिए। तो मुझे इससे बहुत बात करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रजा लोग मर रहा है। और ये देखिए गाइस प्रजा लोग टेंशन से मर रहे हैं, और देखो राजा जो बिल्कुल खोरा बेच के सो रहा है। ओए साले उज्जा कुडू कुडू, अबे कुत्ते कुडू, टॉमी टॉमी उज्जा। तो गाइस मैंने बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं उठा। तो इसे छोड़ के मैं आगे आया, तो मुझे और एक हिरन का चुन मिला, जो पूरा टेंशन में जॉब ना मिलने के कारण।
तो गाइस इधर भी देखिए, यह है नीलगाय। ये ज़्यादातर हिमालयस में मिलता है, नेपाल के करीब। तो इस जानवर का प्रूफ हमारे वेदों में है, लोग इसे बहुत मानते हैं। इसका रंग जो है वो थोड़ा नीला कलर का होता है, तो इसीलिए लोग इसे नीलगाय कहते हैं। तो मैं इन्हें छोड़ के और आगे। तो गाइस ये है परा सा गेंडा, जो एक सिंह वाला, ये वर्ल्ड फेमस है। ये खासकर असम में ही मिलते हैं। लेकिन गाइस ये क्या, यहाँ पे काफ़ी सारा हिरणों ने घेर लिया है एक गेंडा को मारने के लिए। देखिए एक बेचारे गेंडे को, तो मुझे ये देखा नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो गाइस मैं भी आगे आया हूँ, और यहाँ पे अपने जानवर को जॉब नहीं मिल रहा है, और ये ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ पे जॉब करके बैठा हुआ है। ओए इधर देख, कहाँ मिंडी ला रहा है? हाँ तुझसे बात कर रहा हूँ, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया चला जाना, बहुत नहीं तो बहुत मार पड़ेगा तुझे, ठीक है? तो गाइस ऑस्ट्रिच को दरा धमका के मैं आया हूँ आगे। तो मुझे यहाँ आते ही पता चला यहाँ पे कुछ मगरमच्छ का झुंड जो है वो कोमा में चला गया है। तो मैंने आसपास के लोगों से बात करके मुझे पता लगा कि ये लोग ने उस दिन गलती से गाना सुन लिया, बदो बदी आए हाय ओए हाय। तो ये गाना सुनते ये लोग कोमा में चला गया और अभी तक नहीं उठा। तो मुझे सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर जू आए तो ऐसा गाना गलती से मत चलाए, और ऊपर से ऐसा गाना जो है वो लोग आप लोग शेयर मत कीजिए, नहीं तो देखिए हमारा जानवर ये गाना सुनते ही कोमा में चला गया। तो प्लीज़ गाइस ऐसा गाना दोबारा मत चलाना जू। ऐसा करते हुए ये लोग कोमा से जल्दी बाहर निकले और इनको छोड़ के मैं आगे चला। और मुझे आगे आते ही मिला एक बगलों का झुंड, शायद ये भी कुछ और होगा, लेकिन ये भी देखने में कुछ बगलों जैसे लग रहा है। ये शायद कुछ ब्राहर के प्रजाति होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। ये लोग भी कुछ मीटिंग कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन शायद जॉब ना मिलने का ऐसा ही होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो हिरन है ये बाहर निकल गया है। ये खासकर एक चाइना ईस्ट चाइना में मिलता है। तो आइए इससे बात करते हैं। ओए बाहर क्यों निकला है? तो गाइस मुझे पता चला ये खाना खाने के लिए निकला है। तो ये खाना ख़त्म होते तो निकल जाना, ठीक है, है ना? तो गाइस ये फिर से खाना खाने लग गया। क्या मुझसे जबन लड़ाएगा? तो नहीं जाएगा, रुक तुमको बताता हूँ। तो गाइस देखिए मेरा पास आते ही ये भाग गया। सुन दोबारा मत आ जाइयो बाहर, अंदर जाओ, सबके साथ सेव रहो। तो यहाँ पे मुझे एक पोको पाइन मिला जिसके पास अपना काटा नहीं था। अरे तो शायद ये बहुत बुढ़ा हो गया था, मैं इसे अंकल बोल के बाय दे के चला रहा है। तो साथ ही मैं जब पानी में देख रहा था कि मुझे मच्छर दिखाई दे, तभी मुझे एक घड़ियाल दिखाई दिया। तो ये घड़ियाल है मगरमच्छ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इसका लंबा होता है, मगरमच्छ का मोटा। तो मैं मुँह का बात कर रहा हूँ, आप कुछ गलत मत समझिए। और साथ ही ये सिर्फ नदी में रहता है, और इसका जो लेंथ है वो भी मगरमच्छ से कम है, और एक खासकर खाना भी लाइक मच्छियाँ वगैरह ही खाता है। और मच्छियाँ का मतलब ये नहीं कि आप इसके पास जाओ, क्योंकि ये भी डेंजर है। और साथ ही ये ज़्यादातर इंडिया का गोदावरी रिवर या फिर नॉर्थ इंडिया में ये अवेलेबल है, और इसका संख्या भी पहले से अभी काफ़ी कम हो चुका है। तो ये भी फिलहाल विलुप्त की कगार पे है होगा शायद। तो प्लीज़ इसको संभाल के रखें। तो इसको बाय कहते हैं और निकलते हैं। तो इधर मैं आके देखता हूँ दो चिंपांजी के बच्चे। तो गाइस इन्हें खेलने के लिए इतना कुछ दिया गया है, रस्सियाँ वगैरह, लेकिन इन दोनों को देखिए, ये दोनों आपस में गुतरगु करना चालू कर दिए। तो गाइस मैं पैसे देखे क्या ये सब देखने आया हूँ? तो गाइस मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं अभी चलता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अच्छे से प्लेस के लिए। बाय।